दोस्तों, अगर आप काफी समय पहले कोई ईमेल आईडी बनाए हुए होंगे और आपको याद नहीं कि वो ईमेल आईडी क्या था और उसका अगर आपको पासवर्ड भी याद नहीं है और आप उसे रिकवर करना चाहते हैं तो फिर आज के इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे देखेंगे कि पुराने जीमेल आईडी को कैसे रिकवर करते हैं। पुराने जीमेल आईडी को रिकवर करने के लिए आपको सिंपली एक चीज की जरूरी होगी, वो है मोबाइल नंबर। उस जीमेल आईडी में जो मोबाइल नंबर था वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे पुराने जीमेल आईडी को रिकवर करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे लिखना होगा जीमेल लॉगिन। देखिए, यहाँ पे जीमेल लॉगिन आप लिखिएगा तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना होगा, accounts.google.co.in। यहाँ पे ऊपर वाले लिंक को छोड़कर यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी आ जाता है। अगर आपको आपका ईमेल आईडी पता है और पासवर्ड नहीं पता है तो फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। हमें यहाँ पे अपना जीमेल आईडी भी नहीं पता है तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फॉरगेट ईमेल पे और यहाँ पे हम अपना फोन नंबर डालेंगे जिस फोन नंबर से हम अपना ईमेल आईडी बनाए थे। अगर आपको अपना फोन नंबर भी नहीं पता है कि उस ईमेल आईडी में कौन सा हम फोन नंबर डाले थे तो यहाँ पे आपके पास जितने भी फोन नंबर है यहाँ पे आप बारी बारी से डाल के ट्राई कर लीजिएगा। फोन नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना होगा, आप जिस नेम से ईमेल आईडी बनाए हुए थे। ऊपर में फर्स्ट नेम और नीचे में लास्ट नेम इस तरह से आप डालिएगा और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो मोबाइल नंबर डाले हुए थे वो यहाँ पे नंबर आ गया और उस नंबर को ओटीपी के जरिए वेरीफाई करेगा। इसके लिए यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो उस नंबर पे एक कोड आता है, उस कोड को यहाँ पे हम एंटर किए और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक किए नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए मेरे इस नेम से यहाँ पे 3 ईमेल आईडी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इस नेम से 3 ईमेल आईडी बना हुआ है, यहाँ पे तीनों ईमेल आईडी आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आप जिस ईमेल आईडी को रिकवर करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं इस ईमेल आईडी को रिकवर करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे हम क्लिक किए। दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा तो हमें तो अपना पासवर्ड भी नहीं याद है तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे और यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन फिर आ रहा है, इसके बाद यूज योर पास की, तो ये दोनों हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट हेल्प। और देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपका जीमेल आईडी कोई और फोन में लॉगिन है तो वहाँ पे उस फोन पे नोटिफिकेशन भेजेगा और वहाँ पे अलाउ कर देने के बाद आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जीमेल आईडी कोई और फोन में लॉगिन भी नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे। अब यहाँ पे देखिए जीमेल में जो मोबाइल नंबर लिंक है या फिर जो अभी हम मोबाइल नंबर एंटर किए थे वो यहाँ पे आ गया और उसी नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसी से वेरीफाई करना होगा तो इसके लिए यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब ओटीपी आया हुआ है और ओटीपी को यहाँ पे हम इंटर किए हैं, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन आ रहा है, गेट वेरिफिकेशन कोड एट, यहाँ पे ये ईमेल आईडी आ रहा है तो इस ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा और उसके जरिए फिर वेरीफाई करना होगा या फिर इस ईमेल आईडी बनाते समय मैं जो ईमेल आईडी गारंटर के रूप में एड किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पे उस ईमेल आईडी पे कोड जाएगा और उसके जरिए वेरीफाई करना होगा। तो ये भी दोनों मेरे पास नहीं है क्योंकि ये ईमेल आईडी तो अभी मेरा रिकवर हुआ ही नहीं है और ये ईमेल आईडी मेरे पास है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे टू साइन इन। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह से एक बॉक्स ओपन यहाँ पे होता है और यहाँ पे आप एक कोई दूसरा ईमेल आईडी डालेंगे और उस ईमेल आईडी पे 48 आवर के अंदर एक मेल जाएगा और उस मेल के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा 8 डिजिट का। वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करके और फिर से वही पासवर्ड आप नीचे में डाल के आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा और एक नया पासवर्ड बन जाएगा।